देखिए अभी हम लोग क्लास 12 इकोनॉमिक्स में मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे जो आपके झारखंड बोर्ड 2023 इंटरमीडिएट एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर एक से शुरू करते हैं देखिए अर्थव्यवस्था की किस समस्या का संबंध उत्पादन की तकनीक के चयन से है पहला प्रश्न कहता है अर्थव्यवस्था का कौन सा समस्या का संबंध उत्पादन की तकनीक के चयन से है तो इसका उत्तर होगा कैसे उत्पादन करें कैसे उत्पादन करें का मीनिंग होता है किस तरीके से करें उत्पादन की किस तकनीक से करें यानी एक का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा सी आगे देखिए सवाल नंबर दो कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब सीमांत उपयोगिता का मान शून्य होता है याद रखिएगा यह सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब सीमांत उपयोगिता का मान शून्य होता है यानी टी यू अधिकतम तब होता है जब एम यू का मान शून्य होता है दो का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा ए आगे देखिए सवाल नंबर तीन सामान्यतः एक उदासीनता वक्र होता है नेगेटिव ढाल वाला यानी मूल बिंदु की ओर उत्तल मूल बिंदु की ओर उत्तल यानी ऊनतोदर दर तीन का सही उत्तर सी होगा सी आगे देखिए सवाल नंबर चार सामान्यतः एक मांग वक्र की ढाल होती है ऋणात्मक याद रखिएगा मांग वक्र का ढाल बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरती है यानी ऋणात्मक होती है चार का सही उत्तर बी होगा बी आगे देखिए सवाल नंबर पांच एक सरल रेखा मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की कीमत लोच कितनी होती है एक होती है याद रखिएगा एक नीचे गिरते सरल रेखा वाले मांग वक्र के ठीक बीच में मध्य बिंदु पर मांग की लोच का मान ईडी का मान एक होता है एक ऑप्शन बी सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आगे देखिए सवाल नंबर निम्न में से किस वक्र का आकार उल्टा यू आकार का होता है औसत उत्पादन का एपी का ठीक है याद रखिएगा एपी यानी एवरेज प्रोडक्शन औसत उत्पादन का आकार उल्टा यू आकार का होता है ए पी यानी ऑप्शन डी होगा डी औसत उत्पादन आगे देखिए सवाल नंबर सात उत्पादन फलन Q बराबर ए एल के पावर में अल्फा के के पावर में बीटा में पैमाने का प्रतिफल की माप है ठीक है उत्पादन फलन Q क्यू मतलब आउटपुट उत्पादन की मात्रा इक्वल टू ए ए कॉन्स्टेंट है एल एल मतलब लेबर एल के पावर में अल्फा अल्फा मतलब लेबर की मात्रा ठीक है लेबर का घात पावर के के मतलब कैपिटल पूंजी बीटा मतलब के का पावर यानी कितना पूंजी का प्रयोग किया गया है ठीक है में पैमाने का प्रतिफल का माप होगा अल्फा प्लस बीटा यानि कितना लेबर लगाए हैं और कितना पूंजी लगाए हैं दोनों का जोड़ ठीक है एल का पावर अल्फा के का पावर बीटा एल से लेबर के से कैपिटल ठीक यानी श्रमिक और पूंजी का टोटल मात्रा का जोड़ जो होता है वह पैमाने के प्रतिफल का माप होता है यानी अल्फा प्लस बीटा सात का सही उत्तर ए होगा ए आगे सवाल नंबर आठ देखिए जब सीमांत लागत यानी एम औसत लागत यानी ए से कम होती है तब औसत लागत घटती है गिरती हुई होती है ठीक है जब एम सी ए सी से कम होता है तब ए सी घटती हुई होती है आठ का सही उत्तर ए होगा ए आगे देखिए सवाल नंबर नौ उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन करने पर किस लागत में परिवर्तन नहीं होता है कुल स्थिर लागत में टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में टीएफसी में याद रखिएगा उत्पादन की मात्रा में कम बेसी करेंगे परिवर्तन करेंगे तो परिवर्तनशील लागत चेंज होगा कुल स्थिर लागत में कोई चेंज नहीं होगा यानी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में टीएफसी में कोई चेंज नहीं होगा एफ हमेशा स्थिर रहता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है नाइन का सही उत्तर डी होगा डी आगे देखिए सवाल नंबर दस निम्नलिखित में से किस बाजार में एक फर्म कीमत स्वीकारक होता है पूर्ण प्रतियोगिता में याद रखिएगा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में उद्योग को कीमत निर्धारक प्राइस मेकर कहते हैं और सभी फर्म को कीमत मत प्राइस टेकर कहते हैं तो दस का सही उत्तर सी होगा सी आगे देखिए सवाल नंबर ग्यारह एक, एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म के संतुलन के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सही है तो फर्म के संतुलन में एम आर इक्वल टू एम सी होता है ऑप्शन ए सही है बी नंबर में एम आर माइनस एम सी इक्वल टू जीरो भी सही है सी नंबर में एम आर भागा एम सी इक्वल टू वन ये भी सही है ऑप्शन डी सही, सही उत्तर होगा ठीक है एम आर इक्वल टू एम सी होता है जो ए बी सी तीनों सही है ऑप्शन डी इनमें से सभी ऑल सही उत्तर होगा सवाल नंबर ग्यारह का सभी आगे देखिए सवाल नंबर बारह निम्नलिखित रेखा चित्र से पूर्ति की लोच के किस मान की माप होती है यानी निम्नलिखित रेखा चित्र में पूर्ति की लोच का मान कितना होगा ऑटोमेटिक जीरो के नीचे है जीरो के ऊपर नहीं है इसलिए एक से कम होगा ठीक है जीरो के ऊपर रहता ग्राफ्ट हो ए बी रेखा तो एक से अधिक होता लेकिन जीरो के नीचे है इसलिए एक से कम होगा बारह का सही उत्तर बी होगा बी ऑप्शन बी आगे देखिए सवाल नंबर तेरह एक मुस्त कर यानी टैक्स लगाने से किसी वस्तु की पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है एक मुस्त कर लगाने से टैक्स लगाने से किसी वस्तु की पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है पूर्ति कम हो जाती है किसी वस्तु पर टैक्स बढ़ जाने से टैक्स लगाने से उस वस्तु के उत्पादन पर खर्च यानी लागत बढ़ जाने के कारण उत्पादन और पूर्ति दोनों कम हो जाती है ठीक है तेरा का सही उत्तर ए होगा ए आगे देखिए सवाल नंबर अन्य बातों के समान रहने पर किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होने से बाजार संतुलन पर क्या प्रभाव होगा देखिए किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होने से बाजार संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब किसी वस्तु का मांग बढ़ता है तो मांग का मात्रा बढ़ने के चलते वस्तु का दाम बढ़ जाता है यानी संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा दोनों में वृद्धि होगी चौगदों का सही उत्तर सी होगा सी वस्तु का मांग बढ़ने से दाम बढ़ जाता है मात्रा बढ़ जाती है दोनों बढ़ जाती है ऑप्शन सी सही उत्तर होगा चौगदों नंबर सवाल का आगे देखिए सवाल नंबर पंद्रह की मांग की स्थिति में कीमत में प्रवृत्ति होती है देखिए मांग बेसी होने से अधिक मांग होने से वस्तु का कीमत बढ़ जाएगा ठीक है पंद्रह का सही उत्तर बी होगा बी आगे देखिए सवाल नंबर सोलह की पूर्ति की स्थिति होती है जब पूर्ति मांग से अधिक होता है की पूर्ति यानी सप्लाई डिमांड से ज्यादा होगा ऑप्शन बी सही उत्तर होगा डिमांड सप्लाई से कम यानी सप्लाई डिमांड से जब अधिक होता है तो उसको एक्सेस सप्लाई कहते हैं आधिक के पूर्ति कहते हैं आधिक के मांग मतलब मांग बेसी पूर्ति से और अधिक के पूर्ति मतलब पूर्ति बेसी मांग से ऑप्शन बी सही उत्तर होगा एक्सेस सप्लाई की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब सप्लाई डिमांड से अधिक होती है सोलह का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा बी आगे देखिए सवाल नंबर सत्रह अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की पूर्ति में कमी होने से बाजार संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा देखिए वस्तु का पूर्ति में कमी होने से जब सप्लाई घट जाएगा तो दाम ठो बढ़ जाएगा यानी वस्तु का सप्लाई का मात्रा कम होने से दाम ठो बढ़ेगा यानी संतुलन कीमत में वृद्धि होगा और संतुलन मात्रा में कमी होगा किसी वस्तु का सप्लाई कम होने से मार्केट में दुकानदार उसका दाम बढ़ा देता है ठीक है यानी ऑप्शन बी सही उत्तर होगा संतुलन कीमत में वृद्धि होगी और संतुलन मात्रा में कमी होगी सत्रह का सही उत्तर बी आगे देखिए सवाल नंबर अठारह एकाधिकार में अधिकतम कुल आगम के उत्पादन स्तर पर वस्तु की मांग की कीमत लोच का मान कितनी होती है एक होती है एकाधिकार बाजार में वस्तु की मांग की कीमत लोच का मान एक होती है एक ईडी बराबर एक होती है पूर्ण प्रतियोगिता में अनंत होती है एकाधिकारी प्रतियोगिता में एक से अधिक होती है और एकाधिकार बाजार मोनोपोली मार्केट में एक होती है एक ऑप्शन बी सही उत्तर होगा आगे देखिए सवाल नंबर उन्नीस द्वि अधिकार में विक्रेताओं की कितनी संख्या होती है दो एकाधिकार में एक द्वि अधिकार में दो और पूर्ण प्रतियोगिता में अनेक याद रखिएगा ठीक है उन्नीस नंबर सवाल का सही उत्तर डी होगा डी दो द्वि अधिकार बाजार में विक्रेता दो ठो होता है एकाधिकार में एक ठो होता है और पूर्ण प्रतियोगिता में बहुत सारा होता है ठीक है उन्नीस का सही उत्तर डी होगा आगे देखिए सवाल नंबर 20 निम्न में किस बाजार में विभेदीकृत वस्तुओं का उत्पादन होता है एकाधिकारी प्रतियोगिता में एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार में विभेदीकृत यानी अलग अलग स्थानापन वस्तुओं का उत्पादन होता है ठीक है बीस का सही उत्तर बी होगा बी आगे देखिए सवाल नंबर इक्कीस अब हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र में प्रवेश कर गए ठीक है यानी एक से लेकर बीस नंबर तक का सवाल फर्स्ट बुक माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र का था और ट्वेंटी वन से फोर्टी नंबर तक जो सवाल होगा वह समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स का होगा यानी क्लास बारह इकोनॉमिक्स का सेकंड बुक का होगा सवाल नंबर इक्कीस को पढ़िए द जनरल थ्योरी ऑफ इंप्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है जे एम किन्स हम क्लास में बार बार बताए हैं कि द जनरल थ्योरी ऑफ इंप्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक जॉन मेनार्ड किन्स ने जे एम कीन्स ने 1936 में प्रकाशित किया था 21 का सही उत्तर सी होगा सी जे एम किन्स आगे देखिए सवाल नंबर 22 जीडीपी और एनडीपी में क्या संबंध है जीडीपी और एनडीपी में क्या सूत्र होता है क्या संबंध होता है तो जीडीपी बराबर एनडीपी प्लस मूल्य ह्रास होता है ठीक है यानी सकल घरेलू उत्पाद बराबर शुद्ध घरेलू उत्पाद जोड़ मूल्य ह्रास घिसावट भय होता है बाईस का सही उत्तर सी होगा सी जीडीपी इक्वल टू एनडीपी प्लस मूल्य ह्रास आगे देखिए सवाल नंबर तेईस ट्वेंटी थ्री को पढ़िए निम्न में किस वस्तु के निर्माण में गेहूं एक मध्यवर्ती वस्तु होगा चपाती यानी रोटी के निर्माण में बिस्कुट के निर्माण में ब्रेड के निर्माण में इनमें से सभी हम लोग रोटी बनाने के लिए बिस्कुट बनाने के लिए ब्रेड बनाने के लिए सभी के लिए गेहूं का प्रयोग करते हैं यानी गेहूं मध्यवर्ती वस्तु होता है इनमें से सभी सही उत्तर होगा ठीक है मध्यवर्ती वस्तु मतलब जिसका प्रयोग किसी वस्तु के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है तो चपाती यानी रोटी बनाने में बिस्कुट बनाने में ब्रेड यानी पारोटी रोटी बनाने में हम लोग गेहूं का प्रयोग करते हैं गेहूं एक मध्यवर्ती वस्तु होता है इनमें से सभी ऑप्शन डी सही उत्तर होगा तेईस नंबर सवाल का आगे देखिए सवाल नंबर चौबीस किसी वर्ष जीडीपी की गणना में निम्न में से किस मद किस घटक के मूल्य को शामिल नहीं किया जाता है याद रखिएगा जीडीपी जीएनपी राष्ट्रीय आय के आकलन में गणना में कभी भी मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य शामिल नहीं किया जाता है अंतिम वस्तु का मूल्य को शामिल किया जाता है तो नई कार का मूल्य शिक्षक का शिक्षण शुल्क ब्रेड का मूल्य ये सब अंतिम वस्तु है अंतिम प्रयोग है तो यह सब तो शामिल होगा लेकिन प्रयुक्त कार का बिक्री मूल्य कोई कार पहले किसी के द्वारा प्रयोग किया गया है उसके कुछ दिन बाद प्रयोग करने के कुछ दिन बाद वह कार को बेचना चाहता है तो उसका मूल्य अब राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगा क्योंकि जब कार वह नया खरीदा था तभी उसका मूल्य एक बार जोड़ लिया गया था अब उसका प्रयुक्त कार का बिक्री मूल्य दोबारा शामिल राष्ट्रीय आय में जीडीपी में नहीं किया जाएगा चौबीस का सही उत्तर बी होगा बी आगे देखिए सवाल नंबर पच्चीस ट्वेंटी फाइव निम्नलिखित में से किस विधि से जीडीपी की गणना की जा सकती है जीडीपी की गणना यानी राष्ट्रीय आय को मापने की तीन विधियां हैं मूल्य वृद्धि विधि आय विधि व्यय विधि इनमें से सभी पच्चीस का सही उत्तर ऑल होगा ऑल डी नंबर आगे देखिए सवाल नंबर छब्बीस सन 2016 में किए गए यानी नोटबंदी में किस मूल्य के नोट को बाजार प्रचलन से बाहर किया गया था आप लोग जानते हैं 2016 में 8 नवंबर को हमारे भारत देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 8 नवंबर 2016 ईस्वी को 500 सौ एक हजार रुपये का नोट को विमुद्रीकरण किया गया था यानी नोटबंदी किया गया था ठीक है पांच सौ और एक हजार का नोट छब्बीस का सही उत्तर सी होगा सी आगे देखिए सत्ताईस नंबर सवाल निम्न में से कौन सा एक कार्य केंद्र बैंक का नहीं है इनमें से कौन सा कार्य केंद्र बैंक यानी सेंट्रल बैंक का नहीं है मुद्रा निगमन ये तो सेंट्रल बैंक का मेन कार्य है नोट छापने का अधिकार साख नियंत्रण ये भी है सरकार का बैंक ये भी है जनता से जमा स्वीकार करना ये नहीं है ठीक है जनता का जम, जमा स्वीकार कॉमर्शियल बैंक करता है व्यापारिक बैंक करता है केंद्र बैंक नहीं करता है याद रखिएगा केंद्र बैंक नोट छपता है सरकार का बैंकर होता है साख नियंत्रण करता है लेकिन जनता से जमा स्वीकार नहीं करता है जनता से जमा स्वीकार व्यापारिक बैंक कॉमर्शियल बैंक करता है ठीक है? बैंक, व्यापारिक बैंक जनता से जमा स्वीकार करता है जनता को ऋण देता है ठीक है यानी जनता का बैंक व्यापारिक बैंक और सरकार का बैंक साख नियंत्रण का कार्य बैंकों का बैंक नोट छापने का काम केंद्र बैंक का है ठीक है सत्ताईस का सही उत्तर सी होगा सी आगे देखिए सवाल नंबर अट्ठाईस भारत का एक केंद्र बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक याद रखिएगा प्रत्येक देश में सामान्य एक एक केंद्र बैंक होता है भारत देश के सेंट्रल बैंक का नाम भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई है जिसका स्थापना स्थापना यानी का 1 अप्रैल ईस्वी को किया गया था, 5 करोड़ का पूंजी से और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी उन्नीस को कर दिया गया है जिसका वर्तमान मुख्यालय मुंबई है ठीक है अट्ठाईस का सही उत्तर सी होगा आगे देखिए 29. निम्नलिखित में सबसे तरल मुद्रा कौन सी है एम वन माप ठीक है भारत में मुद्रा पूर्ति के माप के लिए चार माप है एम वन एम टू एम थ्री एम फोर ठीक है तो सबसे तरल है एम वन उसके बाद एम टू उसके बाद एम थ्री उसके बाद एम फोर ठीक है बढ़ते क्रम में सबसे तरल मुद्रा कौन है एम वन माप ऑप्शन ए सही उत्तर होगा 29 नंबर का ऑप्शन ए आगे देखिए सवाल नंबर तीस उपभोक्त फलन सी बराबर ए प्लस स्मॉल बी वाई में प्रेरित उपभोग है ए। ठीक है एभोक्त फलन सी बराबर ए प्लस बी वाई में प्रेरित उपभोग का मान ए होगा ए कैपिटल ए आगे देखिए सवाल नंबर इकतीस एम पी सी प्लस एम पी एस बराबर एक होता है याद रखिएगा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति का जोड़ हमेशा एक के बराबर होता है एम और एम का जोड़ सदैव एक के बराबर होता है ऑप्शन सी आगे देखिए सवाल नंबर बत्तीस निम्न रेखा चित्र में स्वायंत निवेश की रेखा है देखिए स्वतंत्र निवेश को स्वयंत्र निवेश कहते हैं जो आय स्तर से स्वतंत्र होता है ठीक है तो सी जो सी रेखा है वह आय स्तर से स्वतंत्र है ठीक है आय चाहे जीरो है चाहे बढ़ गया है चाहे घट गया है लेकिन उस निवेश में कोई अंतर नहीं होगा यानी सार्वजनिक निवेश स्वायं निवेश स्वतंत्र निवेश की रेखा सी होगा ऑप्शन सी सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सी डी आगे देखिए सवाल नंबर तैतीस अर्थव्यवस्था में यदि जीरो चार है तो गुणक का मान क्या होगा ठीक है किसी अर्थव्यवस्था में यदि एमपीसी बराबर जीरो पॉइंट चार है तो गुणक का मान क्या होगा देखिए निवेश गुणक के बराबर वन बटे एमपीएस होता है याद रखिएगा के बराबर होता है। तो वन बटे जीरो जीरो पॉइंट चार करेंगे तो टू पॉइंट फाइव पाएगा तैतीस तो तो का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा डी आगे देखिए सवाल नंबर चौतीस निम्न में से प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण कौन सा नहीं है इनमें से कौन डायरेक्ट टैक्स प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है उपहार कर डायरेक्ट टैक्स है संपत्ति कर डायरेक्ट टैक्स है आय कर इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है लेकिन वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी डायरेक्ट टैक्स नहीं है यह इनडायरेक्ट टैक्स अप्रत्यक्ष कर है वस्तु एवं सेवा पर लगने वाला टैक्स को अप्रत्यक्ष कर कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं जीएसटी ठीक है 34 का सही उत्तर सी होगा सी जीएसटी प्रत्यक्ष कर नहीं है अप्रत्यक्ष कर है आगे देखिए सवाल नंबर पैंतीस निम्न में से सार्वजनिक वस्तु का एक उदाहरण कौन सा है 34 के बाद पैंतीस नंबर सवाल कहता है निम्न में से सार्वजनिक वस्तु का एक उदाहरण कौन है सड़क ठीक है कार निजी वस्तु है चॉकलेट किसी बच्चा का किसी व्यक्ति का वस्तु है निजी वस्तु कपड़ा निजी वस्तु है लेकिन सड़क सरकार बनाती है जो सबके लिए होता है यानी सार्वजनिक वस्तु होगा सड़क पैंतीस का सही उत्तर बी होगा बी आगे देखिए सवाल नंबर छत्तीस भारत में जीएसटी कब लागू किया गया 2017 में ठीक है सबसे पहला राज्य था असम याद रखिएगा विश्व में जीएसटी लागू करने वाला पहला देश था फ्रांस ठीक है भारत में जीएसटी लागू हुआ है 2017 में पहला राज्य था असम ठीक है भारत में जीएसटी 2017 में लागू हुआ था ऑप्शन सी सही उत्तर होगा आगे देखिए सवाल नंबर सैतीस राजस्व व्यय एवं राजस्व प्राप्तियां के अंतर को क्या कहा जाता है राजस्व घाटा याद रखिएगा राजस्व व्यय एवं राजस्व प्राप्तियां के अंतर को राजस्व घाटा कहते हैं ठीक है सैतीस का सही उत्तर डी होगा डी आगे देखिए सवाल नंबर अड़तीस व्यापार संतुलन क्या है व्यापार संतुलन बराबर निर्यात और आयात का अंतर होता है याद रखिएगा दृश्य वस्तुओं का निर्यात एवं दृश्य वस्तुओं का आयात के अंतर को व्यापार संतुलन कहते हैं अड़तीस का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा बी वस्तुओं का निर्यात एवं आयात का अंतर को व्यापार संतुलन कहते हैं ऑप्शन बी सही उत्तर होगा अड़तीस का आगे देखिए सवाल नंबर उनचालीस यदि कोई भारतीय व्यक्ति किसी चीनी मोबाइल कंपनी को खरीदता है तो इस लेन देन को भारत के भुगतान संतुलन में कहा मोबाइल कंपनी को खरीदता है ठीक है तो इस लेन देन को भारत के भुगतान संतुलन में कहा रखा जाएगा सिंपल बात है कोई भारत का आदमी है वह कोई चाइना कंपनी का मोबाइल खरीदता है तो ऑटोमेटिक हम मोबाइल खरीदेंगे तो पैसा हमको देना पड़ेगा चीन को ठीक है यानी भारत का व्यक्ति चीन को मुद्रा का ट्रांसफर करेगा मोबाइल के बदले तो हम जब पैसा किसी को ट्रांसफर करते हैं पैसा किसी को देते हैं तो हमारा अकाउंट से डेबिट होता है और जब बाहर से पैसा कोई हमको देता है तो उसको बोलते हैं क्रेडिट ठीक है तो इसका उत्तर होगा ए चालू खाते के डेबिट मद में ठीक है सिंपल बात है कोई भारत का व्यक्ति चाइना कंपनी का मोबाइल खरीद खरीदेगा तो उसको अपना पैसा चीन को देना पड़ेगा यानी उसका खाता से अकाउंट से पैसा डेबिट होगा ठीक है पैसा कटेगा उनचालीस का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा ए चालू खाते के डेबिट मद में और वस्तुओं सेवाओं का आयात निर्यात को चालू खाता में रखा जाता है ठीक है और हम जब मोबाइल खरीद रहे हैं चाइना से तो मेरा खाता से पैसा डेबिट होगा ऑप्शन ए सही उत्तर होगा आगे देखिए अंतिम प्रश्न चालीस निम्नलिखित में से कौन सा मद भुगतान संतुलन के चालू खाते का एक घटक है वस्तुओं का निर्यात याद रखिएगा चालू खाते में वस्तुओं का निर्यात आयात को शामिल किया जाता है ठीक है तो यहां पर सही उत्तर डी होगा डी भुगतान संतुलन के चालू खाते का घटक होगा ऑप्शन डी वस्तुओं का निर्यात